नमस्ते भाइयों और बहनों, बड़े दुख के साथ सूचित कर रहे हैं कि हम लाइगर नामक मूवी जो है सिनेमा हॉल में देखा है और आप सबके लिए कर रहे हैं आज उसका रिव्यू। तो सबसे पहली बात आपको बता दें, लेखक निर्देशक ने सोचा कि विजय देवरकोंडा को हकला बना दो तो किसी को पता नहीं चलेगा कि कितने खराब एक्टर हैं, पर ऐसा नहीं होता है राजा, हम सब देख लिए हैं। कलाकारों की यदि बात करें तो अहम भूमिका में है विजय देवरकोंडा और उनका साथ दे रही हैं अनन्या पांडे। और अनन्या पांडे का मान लो रोल ऐसा है जैसा कि ऊपर लिखे ये टाइटल का, हाँ ये है तो, पर इसका कोनो पर्पज नहीं है, ये कहानी है, इसमें कोनो ट्विस्ट टर्न कुछ नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी है, कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। हाँ एक सरप्राइज एलिमेंट है, चंकी पांडे। सरप्राइज हमको यह हुआ कि लोग अब तक उनको काम दे रहे हैं। इस पिक्चर का तो भर भर के थैला भर के गलती हम पकड़ लिए हैं, लेकिन दूठो आपको बता देते हैं। पहला ये, विजय देवरकोंडा के पिताजी एमएमएफ के बहुत बड़े फाइटर थे, नेशनल चैंपियन थे। तराजा ऐसा नहीं होता है, एमएमए अपने आप में एक बहुत ही नया स्पोर्ट है और इंडिया में अभी कुछ साल पहले आया है, तो कहाँ से एमएमए के वो चैंपियन बन गए। और देवरकोंडा की उम्र कितनी होगी, 20 साल तो होगी कम से कम, पिक्चर में 25 होगी, तो ये गलत दिखा दिया, एकदम रॉन्ग हो गया। यहाँ पर विजय देवरकोंडा इतना बड़ा फाइटर है कि उसको देख के लोग थर थर कांपता है, पूरा का पूरा जो एमएमए का पूरा अकेडमी है उसको सबको पीट डालता है, ट्रेंड लोगों को। और जब लड़की किडनैप हो रही तो दो गुंडे आके पीट पाट के चले गए, हट, ऐसा नहीं होता है राजा। तो कुल मिला के पिक्चर बंडल है, हम अपना जान हथेली पे लेके ये पिक्चर को सिनेमा हॉल तक देखने गए, हमारा फर्ज है आपके लिए रिव्यू बनाना, तो बना दिए हैं, ठीक है। अच्छा चलते हैं, सेरिडॉन खाएंगे, सिर पक रहा।